रात के गहरे अंधेरे को चीरती हुई एक कार शहर से दूर एक जंगल में आकर रुकती है। ओमकार गाड़ी से उतरकर गाड़ी की डिग्गी खोलता है और उसमें से एक लाश निकालता है और खेत में ही पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। साथ वाली सीट पर बैठी सरगुन भरी हुई आंखों से सहमी सहमी ये सब देख रही होती है। सरगुन गाड़ी से निकलकर जलती हुई लाश के पास जाती है और रोते हुए ओमकार से पेट्रोल की बोतल छीनकर अपने ऊपर छिड़क लेती है और खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि मरने वाला उनका कोई अपना बेहद अजीज था, मगर उसे सुनसान जंगल में खुद अपने हाथों से जलाना अपने आप में ढेरों सवाल और रहस्यों को लिए हुए था। अगले ही सीन में कहानी उस अतीत में जाती है जहां ओमकार और सरगुन अपने घर में बैठे मीठी मीठी नोकझोंक में व्यस्त हैं। कुछ ही देर बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहा ओमकार अपने बड़े बेटे की पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई से पैसे उधार लेने की बात करता है, मगर सरगुन पैसे उधार लेने के बजाय घर में रखी रिवॉल्वर बेचने की बात करती है। उनका बड़ा बेटा हैप्पी शहर में आईपीएस की तैयारी कर रहा है और आज ही शाम को छुट्टी पर आने वाला है। छोटा बेटा तेजी भी अपने भाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्योंकि हैप्पी ने उसको मोबाइल देने का प्रॉमिस किया था। ओमकार अपने बड़े भाई के घर जाता है जहाँ उन्हें बड़े भाई का बेटा लक्की मिलता है जो अभी अभी पुलिस में भर्ती हुआ है। ओमकार बड़े भाई से पैसों की बात करता है और हैप्पी की फीस का वास्ता देकर करीब 1.5 लाख रुपए मांगता है। बड़े भाई उसकी बात में दिलचस्पी नहीं दिखाते और बजाय पैसे देने के उन्हें मकान के सौदा करने की बात करते हैं। ओमकार अपने भाई से कहता है कि यही उनकी माता जी की आखिरी निशानी है, मैं उसे कैसे बेच दूं, और वो निराश होकर वहीं से अपनी किराने की दुकान पर चला जाता है। शाम को लौटते समय हैप्पी के घर आने और उसके फर्स्ट सेमेस्टर में पास होने की खुशी में ओमकार केक लेकर घर आता है। कुछ देर बाद हैप्पी भी हाथ में बैग लिए घर में प्रवेश करता है। छोटा बेटा तेगी बैग ऊपर ले जाता है और उसमें रखा एक पैकेट मोबाइल समझकर निकाल लेता है और मोबाइल की अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाने के लिए पैकेट को अपने दोस्त के घर ले जाता है। तभी घर में महिप सोड़ी की एंट्री होती है जो हैप्पी को बोलता है कि उसका बैग हैप्पी से एक्सचेंज हो गया है और वो अपना बैग वापस लेने आया है। इसी दौरान पड़ोसी बग्गा भी वहाँ आ जाता है। हैप्पी ऊपर से बैग लाकर उसे वापस दे देता है। महिप अपना बैग वापस लेकर हैप्पी का बैग उसे वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ओमकार का पूरा परिवार हैप्पी से केक कटवाकर उसके आईपीएस बनने के सपने को सेलिब्रेट करता है। तभी वहाँ पर महिप सोड़ी वापस आ जाता है और बैग से एक पैकेट मिसिंग होने की बात करता है। दरअसल वो वही पैकेट होता है जिसे तेगी मोबाइल समझकर ले जाता है। दरअसल उस पैकेट में पीला यानी कि ड्रग्स होता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है और वो उसे अपने चाचा के कहने पर लाया होता है। पैकेट न मिलने पर महिप गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मारपीट तक उतर आता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि महिप बंदूक निकालकर सरगुन को फायर करने की कोशिश करता है। तभी हैप्पी अपनी रिवॉल्वर से महिप पर फायर कर देता है। गोली महिप के सर में लगती है और इसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर उसका पड़ोसी अरोड़ा वहां आता है और आवाज की वजह पूछता है। ओमकार वॉशिंग मशीन का कंप्रेसर फटने की आवाज बताकर समझाने की कोशिश करता है, मगर अरोड़ा को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। घर में बेटे के हाथों मर्डर और खून से लथपथ लाश देखकर घर के सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। उस वक्त तेजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पैकेट अपने परिवार वालों को दिखाता है जिसकी वजह से सारा कांड हुआ था। ओमकार किसी तरह सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती लाश को ठिकाने लगाने की होती है। और वहीं दूसरी ओर शहर के सबसे बड़े बिल्डर और चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे बाहुबली नेता अजीत सोड़ी को अपने भाई का इंतजार है। दरअसल महीप उसी अजीत सोड़ी का छोटा जिसकी हत्या हैप्पी के हाथ, मगर इस बात से अनजान अजीत सोड़ी अभी भी अपने भाई का इंतजार करता है। अब रात को लाश ठिकाने लगाने के लिए हैप्पी अपनी गर्लफ्रेंड के पापा अरोड़ा की गाड़ी की चाबी मांगता है और मौका देखकर ओमकार हैप्पी लाश बोरे में भरकर गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। ठीक उसी वक्त ओमकार का भतीजा लक्की जो उस वक्त ड्यूटी पर होता है वहां पहुंच जाता है और उनसे रात में कहीं जाने की वजह पूछता है। ओमकार उसे कहता है कि गाड़ी में सब्जी है जो दुकान पर छोड़नी जरूरी है क्योंकि वो खराब हो जाएगी, मगर दुर्भाग्य इतना कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और फिर अनजाने में लक्की उस लाश वाली बोरी को उठवाकर अपनी गाड़ी में डलवा देता है जिसे वो सब्जी की बोरी समझ रहा था। और इस तरीके से ओमकार महीप की लाश को अपनी दुकान तक ले जाने में सफल होता है।
लेकिन फिलहाल वो लाश को दुकान के गोदाम में छुपा देता है। वहीं लक्की अपने पिता से नौकरी छोड़ने की बात करता है क्योंकि वह अपनी कांस्टेबल की नौकरी से खुश नहीं है। वो शिकायत करता है कि उसके सीनियर उससे छोटे मोटे काम करवाते हैं, लेकिन वो अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर कुछ बड़ा करना चाहता है। उधर ओमकार की चिंता और बढ़ जाती है जब ओमकार को यह पता चलता है कि मरने वाला महीप सोढ़ी शहर के सबसे बड़े बिल्डर और बाहुबली नेता अजीत सोढ़ी का छोटा भाई है। अब ओमकार के सामने जल्दी से जल्दी लाश को ठिकाने लगाने की चुनौती है क्योंकि लाश से बदबू भी आने लगी है। उधर अजीत सोढ़ी भाई के घर न आने से चिंतित हो जाता है और अपने चाचा को बोलता है कि जल्दी से जल्दी पता करे और उसको घर लेकर आए। चाचा अजीत सोढ़ी को बताता है कि उसका भाई महीप शहर में ही है और बैग बदलने वाला मैसेज भी अजीत सोढ़ी को दिखाता है। उसकी बातों से अजीत सोढ़ी के बॉडीगार्ड को चाचा पर शक हो जाता है और उसे डराकर ड्रग्स के पैकेट का सच उगलवा लेता है और जो महीप सोढ़ी उसी के लिए लेकर आया था। अब ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका होता है। पूरा पुलिस महकमा महीप सोढ़ी की तलाश में जुट जाता है। शहर भर में पोस्टर लगा दिए जाते हैं। वहीं एक लोकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान लक्की को ओमकार घर के पास महीप एक ऑटो से उतरता हुआ नजर आता है। अगले दिन यह बात वो अपने सीनियर्स को बता देता है जिससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि महीप इसी शहर में है और आखिरी वक्त इसी इलाके में देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी का नेता मीडिया में एक वीडियो क्लिप चलवा देता है जिसमें सोढ़ी का भाई महीप ड्रग्स लेते हुए नजर आ रहा था। होने वाले मिनिस्टर का भाई ड्रग्स लेते हुए वायरल होने पर अजीत सोढ़ी मीडिया और राजनीति दोनों के निशाने पर आ जाता है और उसकी इमेज आसमान से सीधी अर्श पर आके गिरती है। ये सब देखकर अजीत सोढ़ी बहुत गुस्सा होता है और वो जल्दी से जल्दी महीप को ढूंढने के लिए अपने सभी लोगों को लगा देता है। चाचा महीप के मोहल्ले में महीप की फोटो दिखाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें मुल्तान भी उसका साथ होता है। उधर रात को मौका पाकर ओमकार और हैप्पी महीप की लाश को निकालकर नदी में फेंक देते हैं। इस जल्दबाजी में हैप्पी की जेब से आईपॉड का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है। लाश नदी में फेंकने के बाद ओमकार को उम्मीद है कि लाश पाकिस्तान चली जाएगी और उसके खिलाफ सारे सबूत मिट जाएंगे। उधर चाचा महीप की फोटो अरोड़ा को दिखाता है जिससे वह पहचान लेता है, मगर चाचा पहचानने के बावजूद उसे मना कर देता है, लेकिन मुल्तान को उस पर शक हो जाता है। अगली सुबह सरगुन घर के आंगन में पेंट कराने का काम शुरू करवा देती है ताकि घर से खून के निशान मिट सके। महीप का वायरल वीडियो बग्गा भी अपने मोबाइल में देखता है और समझ जाता है कि महीप के साथ ओमकार के घर ही कुछ हादसा हुआ है। तेगी अपनी म्यूजिक एल्बम बनाना चाहता था मगर उसके पास अच्छा मोबाइल नहीं था। तेगी का दोस्त उसे ड्रग्स की पुड़िया बेचने का आइडिया देता है जिसे तेगी मना कर देता है। उधर है पायल को महीप से चुराया हुआ आईपैड गिफ्ट करता है, मगर जब पायल बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक मिसिंग होता है। हैप्पी समझ जाता है कि आईपॉड रात को लाश फेंकते समय पुल पर ही गिर गया, मगर वो शक दूर करने के लिए जल्दी से घर जाता है और आईपॉड ढूंढने की कोशिश करता है। वहां लक्की भी आ जाता है और हैप्पी के मुंह से आईपैड की बातें सुन लेता है। छोटे भाई महीप का ड्रग्स कंज्यूम होने वाला वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है जिससे पूरे शहर में अजीत सोढ़ी का राजनीतिक और सामाजिक विरोध होने लगता है। अजीत सोढ़ी सीनियर इंस्पेक्टर को ड्रग्स का केस रफा दफा करने के लिए मोटी रकम देता है। वही मुश्ताक किसी तरह पता लगा लेता है कि उस रात महीप ओमकार के घर आया था और वहां से वापस नहीं गया, क्योंकि जब वो ओमकार को महीप की फोटो दिखाता है तो बोल देता है कि हाँ ये हमारे घर आया था, हैप्पी के साथ इसका बैग बदल गया था और अपना बैग लेकर वापस चला गया। मगर मुल्तान को ओमकार पर शक हो जाता है और वह किसी बहाने ओमकार के घर में जाकर तलाशी लेने की कोशिश करता है, लेकिन ओमकार उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। ये सब बातें वहां खड़ा हुआ बग्गा भी देख लेता है। मुश्ताक चाचा से कहता है कि महीप इस घर में आया जरूर था मगर यहाँ से वापस नहीं गया, उसके साथ जरूर इसी घर में कुछ कुछ हुआ है और वो इसका पता लगा कर रहेगा। वही लक्की पायल के घर जाता है जिसको वो बचपन से पसंद करता था, और पायल की माँ और उसकी माँ के मुंह से पायल और उसकी मंगनी की बात सुनकर महीप खुश हो जाता है। हैप्पी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और हॉस्टल जाने के लिए तेगी के साथ रेलवे स्टेशन निकल जाता है, जहाँ टीवी पर न्यूज देखता है कि पुलिस को नदी से महीप की लाश बरामद हुई है। ये देखकर हैप्पी और लक्की दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और हॉस्टल ना जाकर घर वापस आ जाते हैं। वहीं पड़ोसी बग्गा जो पायल का पिता भी है ओमकार से हैप्पी की रिवॉल्वर चुरा कर ओमकार को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाता है ताकि उससे पायल की शादी के लिए 20 लाख रुपए मिल सकें।
वहीं दूसरी तरफ अजीत सोढ़ी जब महीप की लाश देखता है और वो गुस्से और गम में पागल हो जाता है और वो कसम खाता है कि जिसने भी उसे मारा है वो उसके परिवार के एक एक सदस्य को इससे भी भयानक मौत देगा। महीप की लाश मिलने से ओमकार को पुलिस से ज्यादा अजीत सोढ़ी का डर सताने लगता है जिसने पूरे परिवार को मारने की धमकी दी है। वहीं बग्गा अपनी पत्नी को कहता है कि उसने पायल की शादी के लिए 20 लाख का इंतजाम कर लिया है। दरअसल बग्गा जान जाता है कि महीप की मौत ओमकार की रिवॉल्वर से हुई है और अब वो रिवॉल्वर सबूत के तौर पर उसके पास है, इसीलिए वो ओमकार से 20 लाख रुपए की डिमांड करता है। ओमकार उसे 20 लाख रुपए देने के लिए अपने मकान का सौदा अपने बड़े भाई से कर देता है। मुल्तान से सोढ़ी को पता चलता है कि महीप की मौत जिस ड्रग्स की वजह से हुई है वो चाचा के लिए लाया था। अजीत सोढ़ी चाचा से इतना गुस्सा होता है कि चाचा के मुंह में ड्रग्स की कई पुड़िया डाल देता है और उसे बहुत मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर ओमकार किसी तरह फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाकर महीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली और रिवॉल्वर का नाम चेंज करने की कोशिश करता है। वहीं तेगी अपने दोस्त के साथ मिलकर पुड़िया बेचने का प्लान बनाता है जिसके लिए वो योगी से मिलने जाता है। योगी उसे रोमाना के पास लेकर जाता है जो कि ढाबे का मालिक है। वहीं मुल्तान ओमकार को किडनैप कर लेता है और उसे टॉर्चर करके महीप का सच उगलवाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि उसने महीप को क्यों मारा। ओमकार नशे में कुछ बड़बड़ाता है जिसे मुल्तान समझ नहीं पाता और वो उसे जंगल में छोड़कर चला जाता है। सुबह होश आने पर ओमकार खुद को गांव के पास एक खेत में पाता है। तभी उसे तेगी का फोन आता है कि ढाबे के मालिक ने उसे बंदी बना लिया है क्योंकि तेगी के पास जो ड्रग्स की पुड़िया थी वो वही पीला ड्रग्स था जो महीप के पास था। ओमकार लकी को बचाने के लिए रोमाना के ढाबे पर जाता है जहाँ उसने तेगी को भट्टी पर उल्टा लटका रखा था। ओमकार रोमाना की लड़ाई हो जाती है। ओमकार रोमाना पर गोली चला देता है लेकिन रोमाना वहां से बचकर निकल जाता है और महीप की मौत का राज और ड्रग्स के बारे में मुल्तान को बता देता है कि ओमकार ही महीप का कातिल है। उस रात बग्गा ओमकार को पैसे लेने के लिए बुलाता है और वहां दारू पीने लगता है क्योंकि उस रात उसकी बेबी और पलक घर पर नहीं थे। वहीं ओमकार एक इश्तहार देखता है जिसमें अजीत सोढ़ी ने महीप के कातिल का नाम बताने के लिए 30 लाख रुपए का इनाम देने की बात लिखी थी। अब ओमकार समझ जाता है कि बग्गा इतना कमीना है कि 20 लाख लेने के बाद भी 30 लाख रुपए के लालच में अजीत सोढ़ी को सब सच बता देगा। शराब पीकर नशे में जल्दी ही बग्गा सो जाता है। सुबह बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज और मोहल्ले वालों के शोर से ओमकार की नींद खुलती है। हड़बड़ी में ओमकार अलमारी से अपनी रिवॉल्वर ढूंढकर छत के रास्ते से अपने घर आ जाता है। इसी दौरान उसकी घड़ी का अलार्म बज जाता है जिसे पायल सुन देती है। घर पहुंचते ही सरगुन कहती है कि भाई साहब को भी सब पता चल गया है, हम लकी को सब कुछ बता देते हैं, वो हमें बचा लेगा। तभी वहां पुलिस के सायरन की आवाज आती है। बग्गा के घर का दरवाजा अंदर से बंद था जिसे पुलिस तोड़कर खोलती है। घर में बग्गा की लाश पंगे से लटकी होती है। दरअसल ओमकार रात को ही बग्गा को मारकर उसके गले में फंदा डालकर पंगे से लटका देता है ताकि पुलिस और घर वालों को ये लगे कि बग्गा ने आत्महत्या की है। सरगुन लाश को देखते ही समझ जाती है कि बग्गा की हत्या ओमकार ने अपने परिवार को बचाने के लिए की है, मगर लाश देखकर सरगुन बहुत घबरा जाती है। लकी पायल की माँ से पूछता है कि चाचा जी ने आत्महत्या क्यों की। पायल की माँ बताती है कि वो बहुत खुश थे, उन्होंने पायल की शादी के लिए 20 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लिया था और उन्हें 30 लाख रुपए और मिलने वाले थे। जब बग्गा के लाश को पंखे से उतार रहे होते हैं तो पायल को उस दिन छत पर घड़ी के अलार्म की आवाज आती है और बाद में वह छत पर जाकर देखती है तो वहां उसे एक डेबिट कार्ड मिलता है। उसे शक हो जाता है कि ये डेबिट कार्ड उसी का है जिसने उसके पिता का खून किया है और ये कार्ड भागते समय वहीं गिर गया। पायल इस कार्ड के बारे में हैप्पी को बताती है जिसे देखकर हैप्पी समझ जाता है कि ये कार्ड उसके पिता ओमकार का ही है। पायल कार्ड को लेकर पुलिस स्टेशन जाने की बात कहती है जिसे हैप्पी ना चाहकर भी मना नहीं कर पाता और पायल को स्कूटर पर बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, मगर रास्ते में टॉयलेट का बहाना बनाकर वो बाइक रोक देता है और बड़ी चालाकी से पायल का बैग चुरा लेता है जिसमें एटीएम था। उधर ओमकार ये समझ रहा होता है कि अब उसका परिवार सेफ है क्योंकि अब सारे सबूत मिट चुके हैं और बग्गा भी अब नहीं रहा और रिवॉल्वर भी उसके पास है। इसी खुशी में वो बार में जाकर शराब पीता है। तभी वहां पर मुल्तान आ जाता है और उसे उठाकर ले जाता है। गाड़ी चलाते समय मुल्तान जैसे ही अजीत सोढ़ी को ओमकार के बारे में बताने की कोशिश करता है, ओमकार उस पर हमला कर देता है और उसे घायल करके वहां से भाग जाता है।
उधर पायल लकी को बताती है कि उसका पर्स चोरी हो गया है जिसमें कातिल का डेबिट कार्ड था। लकी उससे पूछता है कि वो किसके साथ आई थी। पायल हैप्पी का नाम देती है। लकी इस बात से नाराज हो जाता है कि वो अब भी हैप्पी से प्यार करती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हैप्पी और लकी को हाई स्कूल की ड्रेस में दिखाते हैं जो पायल को लेकर एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं। दरअसल लकी बचपन से ही पायल को पसंद करता था मगर वो कभी कह नहीं पाया और जवान होने पर हैप्पी और पायल प्यार करने लगी जबकि लकी पायल के लिए अपनी फीलिंग तक ही सीमित होकर रह गया। अब ओमकार योजना बनाता है कि हैप्पी एजुकेटेड है और उसे अजीत सोढ़ी के ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि मौका मिलते ही सबूत और ड्रग्स सोढ़ी के ऑफिस या घर पे प्लांट कर सके जिससे इन सभी हत्याओं का शक अजीत सोढ़ी पर आएगा जिससे ओमकार और उसका परिवार बच सकता है। रात को ड्यूटी के दौरान लकी देखता है कि ओमकार की किराना की शॉप का शटर अंदर से खुला है। झांक कर देखता है तो कोई दुकान में कुछ तलाश रहा होता है। दरअसल ये दोनों भाई बहन है जो महीप के दोस्त हैं, ये वही ड्रग्स ढूंढ रहे हैं जो ओमकार के घर पर रह गई थी। लकी दोनों को थाने ले जाकर लॉकर में बंद कर देता है। पुलिस स्टेशन में लकी घटनाओं के सारे समीकरण जोड़कर देखता है। बग्गा के पास 20 लाख रुपए कहाँ से आए, फिर 30 लाख रुपए कहाँ से मिलने वाले थे। ओमकार ने 20 लाख रुपए में मकान का सौदा किया था और अजीत सोढ़ी 30 लाख रुपए का इश्तेहार पूरे शहर में छपवा देता है। लकी को समझते देर नहीं लगी कि बग्गा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका खून हुआ है और इसका सीधा संबंध ओमकार के घर और उसकी फैमिली से है। वो उधर सरगुन खुद को महीप और बग्गा की मौत का जिम्मेदार समझती है और इस अपराध बोध से उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। सुबह ओमकार और सरगुन माथा टेकने के लिए गुरुद्वारे जाते हैं जहां सरगुन ओमकार को बहुत सुकून मिलता है। वहीं हैप्पी अजीत सोढ़ी के ऑफिस में एज ए कॉपीराइटर ज्वाइन कर लेता है और किसी न किसी बहाने से अजीत सोढ़ी का विश्वास जीतने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन लकी ओमकार के घर जाता है और उसको बताता है कि बग्गा ने सुसाइड नहीं किया, उसका कत्ल हुआ है। लकी आगे बताता है कि उसके पास एक बंदे का फोन आया था जिसके पास इन हत्याओं से जुड़े सबूत हैं और वो उससे अभी मिलने जा रहा है। उसके बाद सुनकर ओमकार डर जाता है और वो भी लकी के साथ चलने की बात करता है। वहां लकी ओमकार को उसी पुल पर ले जाता है जहां से उन्होंने महीप की लाश नदी में फेंकी थी और किसी बंदे से फोन पर बात करने लगता है। ओमकार को डर था कि हैप्पी का आईपॉड कहीं लकी को ना मिल जाए, इसीलिए वो वहीं खोजने लगता है। लकी ओमकार को कुछ ढूंढता हुआ देखता है। थोड़ी देर में ओमकार को आईपॉड का हिस्सा मिल जाता है लेकिन लकी उसे देखकर कहता है कि ये आईपॉड हैप्पी का ही है ना जो उस दिन गुम हो गया था, और वो बाकी आईपैड ओमकार को दिखाता है जो उसे पायल ने दिया था। अब केस साफ हो जाता है, महीप का कत्ल ओमकार ने ही किया था। अगले सीन में ओमकार और सरगुन लकी की कार में जा रहे होते हैं जहां सरगुन लकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो हैप्पी को किसी तरह बचा ले। लकी उससे पूछता है कि हैप्पी अजीत सोढ़ी के घर क्या कर रहा है। तब ओमकार लकी को अपना प्लान बताता है, सारे सबूत ओमकार के घर प्लांट करने के लिए नौकरी कर रहा है। तभी सड़क पर पत्थर होने से उनकी गाड़ी रुक जाती है और वहां वो दोनों भाई बहन आ जाते हैं जो ओमकार की शॉप में चोरी कर रहे थे। लकी उनसे पूछता है कि वो थाने से बाहर कैसे आए, मगर वो दोनों ओमकार से ड्रग्स का पैकेट के बारे में बात करते हैं। तभी वो लड़की लकी के पेट में गोली मार देती है और ओमकार से ड्रग्स के पैकेट के बारे में पूछती है। तभी ओमकार हैप्पी को फोन करके बैग नहर के पास लाने के लिए कहता है, मगर हैप्पी ओमकार को कहता है कि उसने बैग सोढ़ी की कार में रख दिया है। ओमकार उसे कार से निकाल कर वहाँ पहुँचने के लिए कहता है। तभी वहाँ मुल्तान पहुँच जाता है और लड़की को गोली मार देता है और अजीत सोढ़ी को फोन करता है कि महीप की कातिल उसके सामने है। तभी लकी मुल्तान को गोली मार देता है और वहाँ लड़के का भाई मुल्तान पर टूट पड़ता है और इसी हाथापाई में मुल्तान का फोन वहाँ गिर जाता है जिसे ओमकार उठा लेता है। तभी ओमकार की वॉच की अलार्म बज जाती है जिसे अजीत सुन लेता है। वहीं जान बचाने के लिए मुल्तान नदी में कूद जाता है। तभी हैप्पी द्वारा बैग को निकालते समय आहूजा उसे देख लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ओमकार घायल लकी को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। ओमकार लकी को कहता है कि हॉस्पिटल पहुंचकर पुलिस से हमारे बारे में कुछ ना कहे। वो पुलिस को बताते हैं उसे गोली मुल्तान ने मारी है, मगर लकी की खामोशी में उसका इनकार छुपा होता है। तब ओमकार लकी को कहता है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, मगर उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। मगर लकी ओमकार को कहता है कि लकी भी निर्दोष नहीं है। तभी ओमकार गाड़ी रोक देता है।
सरगुन ओमकार से कहती है कि लकी घायल है, वो अभी टेंशन में है लेकिन वो हमें कुछ नहीं होने देगा। मगर ओमकार सरगुन को कहता है कि लकी नहीं मानेगा, मैं उसे जानता हूँ, अगर आज लकी बच जाता है तो हमारा हैप्पी नहीं बचेगा, और वो हॉस्पिटल नहीं जाते। थोड़ी देर बाद बिना इलाज लकी की मौत हो जाती है। फिर कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ पहले एपिसोड में ओमकार जंगल में लाश जला रहा होता है। दरअसल वो लाश उन्हीं के लाडले भतीजे लकी की होती है, जिसे जलता देख सरगुन गम से पागल हो जाती है और बार बार उसे अपने चारों तरफ लकी नजर आता है, जो घायल है और उनसे खुद को बचाने की आस लगा रहा है। लकी शांत है मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। अगले सीन में दिखाते हैं आहूजा हैप्पी को बंदी बना लेता है और ओमकार से पूछता है कि ड्रग्स उसके पास कहाँ से आया। तब ओमकार आहूजा को सारा सच बता देता है। अब ओमकार आहूजा को हैप्पी को छोड़ने के बदले एक ऑफर देता है, जिसमें ड्रग्स और पिस्तौल अजीत सोढ़ी के फार्म हाउस में छुपाने की बात करता है, और जब पुलिस का छापा पड़ेगा तो अजीत सोढ़ी ही फंसेगा, जिससे आहूजा को इलेक्शन में फायदा होगा और आहूजा मंत्री बन जाएगा। आहूजा ओमकार का ये ऑफर मान लेता है और दोनों को छोड़ देता है। लकी के सदमे के बाद सरगुन की मानसिक हालत खराब है, इसलिए ओमकार उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ सरगुन बेहोशी में लकी की मौत का जिक्र कर देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सरगुन के लिए साइकेट्रिस्ट बुलाने की बात करते हैं, लेकिन ओमकार उसकी छुट्टी करके घर ले आता है। उसी दिन हैप्पी ओमकार से अपनी गलती की माफी मांगता है। ओमकार वजह पूछता है तो हैप्पी उसे बताता है, जिसे सुनकर ओमकार के पैरों की जमीन हिल जाती है। लकी ओमकार को बताता है कि उसे आईपीएस की ट्रेनिंग छोड़े हुए काफी समय हो गया, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आईपीएस क्लियर नहीं कर पाया, वो एंट्रेंस भी क्लियर नहीं कर पाया। दरअसल वो बिजनेसमैन बनना चाहता था, जिसके लिए उसने लोन भी लिया था और वो पैसे भी डूब गए। वो पापा को वो सब बताना चाहता था, इसीलिए उस दिन ट्रेन में चढ़ने से पहले शराब पी। साथ वाली सीट पर मिहिप बैठा था, जिसे उसने टॉयलेट में ड्रग्स यानी पीला लेते हुए देख लिया था, और उसने ड्रग्स का पैकेट अपने बैग में रखा, जो बिल्कुल हैप्पी जैसा था। हैप्पी बताता है कि उसने जानबूझकर मिहिप का बैग बदला था ताकि ड्रग्स हासिल कर सके, जिसे बेचकर वो अपना कर्ज चुका सकता था। लेकिन जब मिहिप अपना बैग लेने वापस आता है तो वो समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, और हैप्पी ये कहकर रोने लगता है, मगर ओमकार उसे गले लगा लेता है। अगले दिन तीनों स्कूटर पर बैठकर अजीत सोढ़ी के फार्म हाउस जाते हैं, तभी ओमकार को घर से पड़ोसी का फोन आता है। ओमकार हैप्पी और तेगी को फार्म हाउस जाने का कहकर घर लौट आता है। घर जाकर देखता है कि घर से पानी निकल रहा है और घर के बाहर भीड़ जमा है, दरवाजा अंदर से बंद है। ओमकार छत से अंदर जाकर देखता है, सरगुन पूरे घर को पानी से धो रही होती है, क्योंकि उसे पूरे घर में खून ही खून नजर आता है। असल में बीमारी और लकी की मौत ने सरगुन को मानसिक रूप से पागल बना दिया था। ओमकार सरगुन को नींद की दवाई देकर फार्म हाउस पहुंच जाता है, जहां अजीत सोढ़ी उन तीनों को बैग छिपाते समय पकड़ लेता है। वो हैप्पी को मारने ही वाला होता है, और तभी वहां आहूजा पहुंच जाता है और अजीत सोढ़ी से अपनी डील पर साइन कराने की बात करता है। तभी ओमकार वहाँ दिमाग लगाता है और अजीत सोढ़ी को बोलता है कि महीप का मर्डर आहूजा ने ही करवाया है, और महीप का ड्रग्स वाला वीडियो भी हैप्पी से आहूजा ने ही बनवाकर वायरल करवाया था, वो आपको इलेक्शन में बैठाना चाहता था, यही इसका प्लान था, जिससे अजीत सोढ़ी को यकीन हो जाता है और वो आहूजा को गोली मार देता है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है, तभी ओमकार अजीत सोढ़ी को पानी पिलाता है, और जैसे ही वो तीनों वहां से जाने लगते हैं और ठीक उसी समय ओमकार की वॉच का अलार्म बज जाता है, जिसकी आवाज मुल्तान से बात करते समय सोढ़ी सुन चुका था। अब सोढ़ी समझ जाता है कि उससे गलती हो गई है, आहूजा नहीं बल्कि ओमकार ने ही उसके भाई की हत्या की है। वो ओमकार को बोलता है कि लाश ठिकाने लगाने के लिए तुम लोग भी मेरे साथ गाड़ी में चलोगे। पुल पर पहुंचकर सोढ़ी आहूजा की लाश को नदी में फेंक देता है और हैप्पी और तेगी के पैरों में गोली मार देता है, और ओमकार से पूछता है कि मेरे भाई को क्यों मारा। ओमकार अजीत सोढ़ी से अपने बच्चों की जान की भीख मांगता है, तभी अजीत सोढ़ी के सीने में दर्द होता है। थोड़ी देर कराने के बाद और पिस्तौल उसके हाथ से गिर जाती है और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगता है। तभी मौका देखकर ओमकार उसे नदी में फेंक देता है। दरअसल सोढ़ी को पानी पिलाते समय ओमकार ने उसमें जहर की गोली मिला दी थी, जिसका असर अब होने लगा था। अपने दोनों बेटों को अपनी बहन के यहाँ इलाज के लिए छोड़कर जब रात को घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सरगुन ने पूरे घर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। दरअसल सरगुन ने अपने पूरे घर की दीवारों पर लकी और बाकी खूनों का कबूलनामा लिखा होता है। दरअसल वो अब पूरी तरह पागल हो चुकी होती है। अब उसे वो सभी मरे हुए लोग नजर आने लगते हैं, जिनकी मौत उनकी वजह से हुई थी। सरगुन को अब उन मरे हुए लोगों के साथ तेगी और हैप्पी भी नजर आने लगते हैं।
और वो ओमकार को हैप्पी और तेगी की हत्या का भी दोषी समझने लगती है और वो कहती है कि तुमने मेरे दोनों बेटों को भी मार डाला। अब महीप लक्की बग्गा के साथ अपने दोनों बेटों को देखकर सरगुन पागल हो जाती है। ओमकार सरगुन की यह हालत देख नहीं पा रहा था, वो सरगुन को सीने से लगाकर उसे समझाने की कोशिश करता है मगर सब बेकार। तभी सरगुन ओमकार से कहती है कि उसे भूख लगी है और उसे गाजर का हलवा खाना है। ओमकार रसोई में गाजर का हलवा बनाने चला जाता है। तभी सरगुन पीछे से पुलिस को फोन लगा देती है और उसे सभी मौतों का सच बताने वाली होती है। तभी ओमकार फोन के तार निकाल देता है। अगले सीन में ओमकार सरगुन को आंखों में आंसू लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाता है। तभी किचन में दिखाते हैं कि हलवे की कढ़ाई के पास उन्हीं गोलियों का खाली पत्ता रखा है जो उसने अजीत को दी थी। हलवा खाने के बाद सरगुन शांत हो जाती है और ओमकार की गोदी में हमेशा के लिए सो जाती है और यही इस कहानी का अंत हो जाता है।